आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे फाइल मेनू बार की। हमने बताया था आपको मेनू बार के थ्रू ही चलेंगे, तो ये हम बात कर रहे हैं आज फाइल मेनू बार की। थोड़ी सी बेसिक है, पर थोड़ी सी बेसिक को भी जानना जरूरी है। जी सर, फाइल मेनू बार में जब आप आते हैं तो फाइल मेनू बार में सबसे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है होम, होम टैब है सबसे पहले। जी सर, तो यहाँ पे होम होता है। जब आप जब सबसे पहले जब फाइल मेनू बार में आते हैं तो आपको दिखता है होम। जी सर, तो क्या होता है आपके यहाँ पे, एक तो होता है आपका ब्लैंक वर्क बुक, उसके बाद यहाँ पे जो होता है रिसेंट यूजली आपकी टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है मैं थोड़ी देर बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तीन कैटेगरी है, रिसेंट, पिंग एंड सेल्फ पिंग। तो जो आप रिसेंट फाइल खोलते हो उस रिसेंट फाइल का लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। पिन की तो यहाँ पे पिन मतलब कि अब पिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना कि रिसेंट फाइल में डेटा अटेंडेंस की बात करें तो डेटा अटेंडेंस को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो कि अगर मान लीजिए कि इसको अब मैं 10-15 फाइल खोल दूं तो डेटा अटेंडेंस इस लिस्ट से गायब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट फाइलें आती हैं। जी सर, रिसेंट ओपन फाइल, लेकिन मुझे बार बार इसको फ्रिक्वेंसली ओपन करना है तो यहाँ पिन का बटन है ना सर, इस पिन के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो एक इस लिस्ट में मूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तीन चीजें मूव है। अच्छा, ये यहाँ सेव हो जाएगी फाइल, सेव हो जाएगी, इस लिस्ट पे आ जाएगी। जी सर, फाइल फाइल जिस लोकेशन में है उसी लोकेशन में रहेगी, डाउनलोड में डाउनलोड भी रहेगी, बट लिस्ट में आ जाएगी। जी जी सर, ठीक है। जी सर, शेयर विथ मी मतलब कि ऐसे फाइल जो किसी ने शेयर किया है ऑनलाइन से मुझे, वो यहाँ पे आएगी। ओके, करते न्यू, न्यू में आपके साथ ब्लैंक वर्कबुक और यहाँ पे टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या है, इस चीज को समझिए। क्या होता है कि कभी कभी हमें जब रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट बनाते समय हमें प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम आइडिया नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ना कि मुझे मेरे बॉस ने बोल दिया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो। जी सर, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने हमने कभी बनाई नहीं है, आइडिया नहीं है कैसा होता है, क्या जी जी क्या क्या फील्ड नहीं होते, कैसे डिसाइड करोगे? तो मैं यहां पे सर्च करूंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। जी सर, आपके सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके सामने आ गए। तो इसके लिए सर नेट कनेक्शन जरूरी है हमें ना? हाँ, नेट कनेक्शन जरूरी है। जैसे देखिए प्रोजेक्ट प्लानर आ गया ना आपको। जी जी सर, इन आ गया। अब जो मेरे लिए सुटेबल है उसको डाउनलोड करूंगा और अच्छा। उसको अपने डेटा से रिप्लेस कर दूंगा या फिर उससे आइडिया लेके हम अपने लिए कुछ बना सकते हैं। ओके, अच्छा सर, जैसे कि मान लो आप तो लेटेस्ट वर्जन में फाइंड आउट कर रहे हो ना, जैसे प्रोजेक्ट का आप, मान लो मेरे पास में आपको सेम मिलेगा, सेम ही आएंगे, 10 में भी यही आएंगे मुझे सेम सारा यदि फाइंड आउट करने पर। हां, ये ऑनलाइन से इंटरनेट से कनेक्टेड है ना सर? अच्छा अच्छा, नहीं मैंने सोचा वर्जन पे डिपेंड होता होगा उस वजह से सर। जी सर, आगे बढ़े। या या सर, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा ऑप्शन आता है कि इसमें और टेम्पलेट और क्या हो सकता है, क्या हम खुद के टेम्पलेट बना सकते हैं? अब आप दिन में जो रिपोर्ट बनाते हो तो क्या करते हैं? बस छोटा सा रिपोर्ट में बनाता हूँ। जी सर, छोटा सा हम यहाँ बना रहे हैं। जी सर,
थोड़ा सा हमने फॉर्मेट बनाया, ठीक है। और जी सर, तो पेज लेआउट में जाता हूँ और इसकी ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। मुझे क्या है कि डेली बेसिस में इस रिपोर्ट को फिल करना होता है, यहाँ पे स्टोर डालना होता है, यहाँ पे लोकेशन डालना होता है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और उसकी साइज करते हैं और इसकी प्री प्रिंट आउट निकालना। तो एक बाकी हर मान लीजिए कि आज हमने बनाया है, अब कल मैं क्या करूंगा, इसमें जो पहले से दिली इंफॉर्मेशन को डिलीट करूंगा, इरेज करूंगा आज की डेट में और फिर डेटा डालूंगा। तो हर बार मुझे प्रीवियस मैं सेव एज करना होगा, प्रीवियस डेटा को डिलीट करना होगा एंड देन नया डालना होगा। हाँ सर, हमें पूरा फॉर्मेट वगैरह डेली रेडी करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना इस फाइल को सेव एज कर दें, ये फाइल हमारा है, इस फाइल को सेव एज कर देते हैं एक्सेल वर्कबुक में, इसका नाम डाल देते हैं सेल्स। लोकेशन मान लीजिए मैं डाल देता हूं डेस्कटॉप। ओके ओके जी सर। अब नेक्स्ट टाइम मुझे अगर बनाना होगा तो सेल्स को ओपन करूंगा, टेम्पलेट हो गया, क्या हो गया टेम्पलेट। लेकिन प्रॉब्लम है कि टेम्पलेट हुआ लेकिन टेम्पलेट अभी नहीं हुआ, इसको सेव एज करना होगा आपको एक्सेल टेम्पलेट। हमने यहाँ एक्सेल वर्कबुक ले लिया था ना, यहाँ नहीं टेम्पलेट लेना। ओके, जो है अभी जैसे मान लीजिए सेव एज ना करूँ तो कुछ भी राइट करूंगा तो वो फाइल वही सेम होगी, ओवरऑल मतलब कि नई फाइल नहीं बनेगी। जी जी सर। लेकिन जब उसको हम सेव एज कर देंगे टेम्पलेट में, एक्सेल टेम्पलेट में, एक्सेल फाइल का जो लिंक है वो और यहाँ एक्सेल टेम्पलेट फाइल का लिंक दोनों अलग अलग है। अच्छा, आप जब इसको ओपन करूंगा तो देखिएगा सेल्स वन के नाम से ओपन होगा, जैसे आपका बुक वन ओपन होता है ऐसे ही आपका सेल्स वन ओपन होगा। यानी इस टेम्पलेट का नाम ही सेल्स वन है ना सर। सेल्स वन मतलब कि जैसे बुक वन, बुक टू, बुक थ्री होता है ना। जी जी जी। अब देखिए मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ तो सेल्स टू ओपन। ओके, जैसे सेव करेंगे वो सेव नहीं ऑटोमेटिक सेव। अच्छा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। और हमारी जो सेल्स वाली फाइल है ये कभी चेंज नहीं होगी, जैसे फोटो स्टेट की तरह हो गया ना कि अब एक फोटो स्टेट वाली है फॉर्म फिल कर दिया, फोटो स्टेट आया फॉर्म फिल कर दिया। जी जी सर। तो उसी तरह से होगा कि हमेशा आपको नया फाइल देगा और नई ब्लैंक फाइल देगा, ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक मिलता है। ओके, समझ गए। और सर ये वहां पे भी शो करेगा फाइल मेनू में भी यही फाइल? नहीं, ये तो हमने नया फाइल बना लिया, एक टेम्पलेट बना लिया ना हमने यहाँ पे। अच्छा अच्छा, टेम्पलेट बना लिया जैसे कि एक्सेल टेम्पलेट में थे ना, वो खुद के। जी जी के? जी सर। तो मतलब कि आप जो डेली रिपोर्ट बनाते हो ना। जी जी सर। तो आप क्या करोगे, उस ब्लैंक रिपोर्ट पे जो फिर से नया फॉर्मेट तैयार करते हो उस नए फॉर्मेट को सेव एज कर लीजिए टेम्पलेट। तो हर दिन नया फॉर्मेट तैयार करने का नहीं मिले जरूरत नहीं पड़ेगा। जी जी सर। ठीक है जी सर। तो न्यू समझ, न्यू में टेम्पलेट समझ में आ गया आपको? जी सर। ओपन आते हैं तो ओपन में आपको यहाँ पे बहुत सारे फाइल लिस्ट मिलता है, आपको होम में तो कुछ लिमिटेड था, ठीक है। जी जी सर। ओपन में आपको रिसेंट वर्कबुक जो है बहुत मिलेगा। ओके, उसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जा सकते हैं या जो रिसेंट फोल्डर, इसमें आपको रिसेंट फोल्डर लिस्ट भी मिलता है कि आपने रिसेंटली कौन सा फोल्डर यूज किया है। जैसे आज मैंने कौन सा फोल्डर यूज किया है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पिन है, डॉक्यूमेंट और डीटी को मैंने पिन किया हुआ है, ये हमेशा आएगा और लिस्ट से नहीं हटेगा, ये बाकी से लिस्ट से हट जाएगी। ओके, समझ गया ना। जी सर। तो आप भी पिन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे डैशबोर्ड हमेशा ओपन करना होता है तो पिन कर दीजिए। अब यहाँ देखिए आ गया डैशबोर्ड। जी सर। इन्फो की बात करें तो फाइल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलता है,
अब मान लीजिए कोई फाइल है, मान लीजिए इसी फाइल की बात करें, इस फाइल को किसने बनाया है, कर्सर रखते पता चल जाता है इसका साइज टाइप ऑथर दिख रहा है ना यहाँ पे आईपी टेक्सल स्कूल जी सर ऑथर भी मैं आ जाता हूँ। दूसरी चीज है कि और भी इन्फॉर्मेशन है, मैंने सेल्स इसके अंदर क्या चीजें है, अभी हमने जस्ट करेंट बनाया है तो मुझे पता है, लेकिन अगर आप जो है हफ्ते दिन 10 दिन 15 दिन 2 महीने बाद ओपन करोगे तो इसमें नहीं दिखेगा जी सर। तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में यहां हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां आपको दिखेगा प्रीवियस वर्जन, सॉरी माफ कीजिए डिटेल्स जी सर। डिटेल्स में यहाँ आपके टाइटल है, तो मैंने यहां पर लिख दिया डेली सेल्स रिपोर्ट, समझ गए, ऐसे सब ऐसे सर्चिंग की डाल दीजिए, कैटेगरी डाल दीजिए, यहाँ पे ऑथर ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। ओके हेलो, अब एक बार रिफ्रेश कीजिए, अब इस पे कर्सर रखते ही आपको दिख जा रहा है आईपी टेक स्कूल ने बनाया है और टाइटल है डेली सेल्स रिपोर्ट जी सर। अब फाइल खोलने की जरूरत नहीं मुझे। ओके हाँ यही शो कर रहा है अपने को, शो कर दिया जी सर। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आप फाइल प्रॉपर्टीज से भी ले सकते हैं, इन्फो से। ओके ठीक है जी सर, होता है आप राइट क्लिक करें या इन्फो में जाके करें, सेम चीज आती है आपको जी सर। सेव और सेव डैश तो आपको पता ही है, तो बताने की जरूरत तो नहीं है ना सर। हाँ सर ये तो पता है सर, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फाइल का टाइप होता है, इसमें एक्सेल वर्कबुक आ रहा है, आ रहा है एक्सेल वर्कबुक जी सर। तो एक्सेल वर्कबुक में क्या है, ये आपका .xlsx फाइल है। ओके मतलब कि मैक्रो डिसेबल फाइल, अगर आपकी फाइल में किसी तरह का मैक्रो है जी सर, इस फाइल को यूज ना करें। ओके इस फाइल को यूज ना करें, उसके लिए क्या होगा सर फिर? उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्क। अच्छा ठीक है जी सर, अनेबल वर्क सर। एक जैसे अपन ने जैसे कोई पुराना फॉर्मेट जैसे 2007 की फाइल है, 7 की हो या 10 की हो, कोई सी भी अपर वर्जन में चल जाएगी क्या सर? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है जी सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जी जी सर। उसके अलावा पीडीएफ पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ यहाँ है, और डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको चाहिए उस फॉर्मेट में उसको डाल सकते जी सर। उसके बाद प्रिंट, फाइल को प्रिंट करना है, प्रिंट में यहाँ आपका कॉपीज है, ये आपका प्रिंटर का नेम है, ये एक्टिव शीट पूरी फाइल करनी है, सिर्फ सिलेक्टेड को करना है या एंटायर वर्कबुक करना है, ये आपका होता है कि वो प्रिंट बोथ मैंने वन साइड करना है या बोथ साइड करना है जी सर। फिर यहाँ पे खुले, जैसे मान लीजिए कि मुझे 1 से 5 तक की 5 कॉपी निकालनी है, तो 1 से 5 एक कॉपी, 1 से 5 एक कॉपी, 1 से 5 एक कॉपी करेगा, एक एक का बंच खुले ट्रे करेगा जी सर। उसके बाद यहाँ आपके पोर्ट्रेट है या पेपर साइज मार्जिन, इसमें हम आपको डिटेल में क्लास देंगे ठीक है जी सर। उसके बाद हम शेयर पे आते हैं, जैसे वन ड्राइव में इसको शेयर करना है इसको शेयर कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ आपके सामने आता है एक्सपोर्ट, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, एक्सपीएस में या कोई और डिफरेंट टाइप, जैसे कि 2003 या और फाइनली में कुछ और कर सकते टेक्स्ट में। वो तो हम सर सेव एज में डालते हैं ना सर, वैसे तो एक्सपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट।
ढूंढना पड़ेगा, बट यहाँ पे जहाँ स्कोर हो सकता है वो यहाँ से दिख रहा है ना। जी जी सर। पब्लिश अगर पावर बीआई कनेक्टेड है तो पावर बीआई में डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हो। पावर बीआई क्या होता है सर? पावर बीआई एक सॉफ्टवेयर है जो हम डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अगर हमारा 365 ले रखे हैं तो अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। जी सर। ठीक है जी सर। उसके बाद यहाँ आपके सामने अकाउंट हो गया, इस अकाउंट के बाद फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम है तो फीडबैक है, कुछ भेजना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट को तो यहाँ से भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए अकाउंट लॉग इन होना चाहिए। जी सर। अब आता है ऑप्शन। ऑप्शन आप बोलेंगे सर आप पहली क्लास में ऑप्शन को सिखा रहे हैं। देखिए पहली क्लास में ऑप्शन सिखाने के पीछे रीजन ये है कि आपका जो ए है एक्सेल है, बस जब कई चीज आप लेते हैं तो उसको क्या करते हैं अपने हिसाब से हम यूज करते हैं ना। जी सर। हम सेल फोन लेते हैं तो हाँ सर, आप उसकी वॉल पेपर रिंग टोन वगैरह चेंज करते हैं ना। जी सर। तो सेम चीज यहाँ है कि आपने यहाँ नई चीज ली है तो उसको भी आपको अपने हिसाब से सेट करना है। ओके ठीक है जी सर। तो ये चीजें उससे पहले जो है आप टेम्पलेट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी, मैं पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ कर लीजिए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन करना कैसे है उसको प्रॉपर्टी मेंटेन वगैरह कर सकते हैं। जी सर। और दूसरी चीज है कि आप एक बार इसकी सेटिंग को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। जी सर। ठीक है ना, इसमें क्या आप ध्यान रखिएगा कि जो सेटिंग समझ में ना आए उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। ओके। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सेल सेटिंग अगर 6 साल कर दी तो विंडो को रीइंस्टॉल ऑफिस को रीइंस्टॉल करना पड़ जाएगा अगर पता ना चले तो। जी जी सर। उसको एक बार स्टडी कीजिए कि फाइल में फॉर्मूला में प्रूफिंग में सेव में एडवांस में इसको एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए। कल हम इसके आपके साथ डिटेल में चलेंगे। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। इसको एक बार स्टडी कीजिएगा, फाइल मेनू बार में बाकी कुछ नहीं रह जाता आपका ऑप्शन आ जाता है या कुछ और पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं। नहीं सर बाकी तो नॉर्मल ही है, सब क्लियर है सर। तो कल की क्लास में टॉपिक होगा एक्सेल की ऑप्शंस, राइट? उसके बाद फिर होम मेनू बार में चलेंगे। ठीक है सर। कोई डाउट या किसी तरह के सवाल है प्रीवियस क्लासेस से तो पूछ सकते हैं।